जोहार, नमस्कार, प्रणाम। मैं बेजू बचा रहा, आज शिव मंदिर पहुंच रहे हैं। तो शिव भक्तों, कहाँ हैं महाकाल लोग? आज भगवान शिव और पार्वती जी की आज शादी है, तो आप लोग किधर है भाई लोग, राम भक्तों? आइए दिखाते हैं आप लोग को। मैं इधर करना चाह रहा, मैं अभी आज आ रहा हूँ अभी मंदिर सुबह सुबह। आज थोड़ा मैं लेट हो गया, सुबह सुबह में आज बहुत भीड़ हो चुका है यहाँ, तो गाड़ी थोड़ा साइड में रखना पड़ा, पैदल थोड़ा जाना पड़ रहा है। दिखाते हैं फिर आगे। फाइनली दोस्तों, मैं अभी मंदिर घुस चुका हूँ और यहाँ बहुत खूबसूरत का नज़ारा है। और मंदिर के नदी के जस्ट ये मंदिर सुंदर सा। थोड़ा मैं लेट हो गया, बहुत अभी लाइन पे खड़े हैं। यही है मंदिर, शिव मंदिर यहाँ का। और यहाँ इस साइड में बहुत सुंदर ही नदी है, और ये साइड में जस्ट मंदिर है। यहाँ पे बहुत लोग यहाँ आते हैं बहुत दूर दूर से। अंदर में देखिए घंटा बजने लगा, एक साथ में लगभग 150-200 लोग घुसे हैं। तो हम लोग अभी जस्ट घुसेंगे, वो सब निकलने के बाद पहले परिक्रमा कर लेते हैं, उसके बाद सब अंदर घुसते हैं। तो लगभग 150 आदमी घुसा है अंदर, और हम लोग वो सब निकलने के बाद हम लोग घुसेंगे। थोड़ा मैं लेट हो गया, सोचा मैं सुबह जल्दी जल्दी आऊँगा, पर लेट हो गया मैं। ये फिर दिखाते हैं पूजा करने के बाद। ये रहा शंकर भगवान के, और यहाँ कौन कौन सा है आप मालूम नहीं। अभी एक छोटा मंदिर है यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग अभी अंदर घुसना है। देखिए यहाँ पे लाइन पे सब लगे हैं, इसी के बीच में हमको भी जाना है। चलिए फिर मिलते हैं आगे, कहीं ब्लॉक में पड़े रहिए। फाइन ले गए, हम लोग पूजा करके निकल गए। मैं अब चलते हैं, प्रसाद उत्साद खा लिए, अब चलते हैं अपना जगह पर। देखिए मंदिर इस तरह है, चलते हैं देखते हैं अपना चप्पल है कि मंदिर में अक्सर चप्पल नहीं जाता है। देखते हैं क्या हुआ है, चप्पल तो ऑलरेडी है मेरा। देखिए बहुत ही अच्छा सुंदर, मस्त है पूरा। विजयवाड़ा रेपल्ले गांव का ये है दृश्य। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो यहाँ से बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, बहुत भीड़ था। हम सुबह 6:30 बजे आए थे और अपना 8:30 लगभग बज गया होगा। 2 घंटा लगा पूजा करके निकलने में। देखिए बहुत ही अच्छा सुंदर है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय भोलेनाथ। अजीब हो गया भाई, अभी प्रसाद लेके आ रहे थे तब तक छीन ही लिए। दे दिए एक केला सुग्रीव महाराज को, देखिए अपना प्रसाद से निकाल के दे दिए, सिर्फ नारियल बचा।